वो लड़की झूठ बोल रही है, हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है वो वली। मेरे तो किसी मुखालिफ की जरूरत नहीं है कि मेरे खिलाफ बोले। वो लड़की क्या मतलब चाचा? वो कोई गैर लड़की नहीं, इस घर की बहू है, और मैं भैया को जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलती। तो फिर ये बात उसने दानियाल से क्यों नहीं की, तुमसे क्यों की है? आखिर दानियाल शौहर है उसका। दानियाल ने कभी उसको अपनी बीवी समझा है क्या? वो तो उसे एक कैदी समझता है, और कैदियों की सुनवाई नहीं होती यहाँ। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अंकल मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। वो शख्स जिसने मुझे किडनैप किया था दानियाल। भैया भैया क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह समझाया था ना मैंने कि बाबा को उनके मामलात में किसी की दखल अंदाजी नहीं पसंद। मैं किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करी, मैं यहाँ अंकल को सच बताने आई हूँ। और मैं उन्हें भैया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू नॉट इन योर सेंसेस, जो भी बोल रही हो पता नहीं किस सिरे को कहाँ जोड़ रही हो। बाबा खुद बहुत परेशान है तुम्हारी हालत को लेके। भैया तुम चलो मेरे साथ। छोड़े मुझे, मैं जो कह रही हूँ अपने होश और हवास में कह रही हूँ अंकल। लड़की सुना नहीं तुम्हारा शौहर क्या कह रहा है तुमसे, और अभी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, जाओ यहाँ से। अंकल कोई बात नहीं भैया, अगर चाचा जान तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते तो जाओ, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे हक के लिए खड़ा, तुम्हारे लिए बात करूंगा। दानियाल। जी जी बाबा जान। तुमने अपनी बीवी को खानदान के असूल नहीं सिखाए? बाबा जान अच्छी तरह जानते हैं तो इस वक्त अपने होशो हवास में ही नहीं है। मैंने समझाया था लेकिन शायद समझ नहीं पाई, मैं अभी जाकर दोबारा समझाता हूँ। ये राजू कहाँ रह गया? उसे दोबारा फोन लगाओ कि जल्दी पहुंचे। कॉल की थी मैंने उसे, बाइक पे होगा, रास्ते में ही होगा, आ जाएगा। अगर दानियाल ने सच में उसे फोन किया तो अभी पहुंच जाएगा, क्योंकि राजू में इतनी जरूरत नहीं कि वो आपके हुक्म को टाले। क्यों दानियाल? जी फरमाइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैंने एक केस दायर करना है। किस चीज का केस? खुला का। मेरी बेटी के खुला चाहिए मुझे। और आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, जितने पैसे आप कहेंगे मैं आपको दूंगी, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। देखें पहले आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे सारी बात तफसील से बताएं कि मसला क्या है। मसला ये है कि मेरी बेटी की शादी ही हादसा थी, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। बस आप ये समझे कि मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को दोजख में धकेल दिया। हम लोग नवाबशाह में रहते हैं, वहां से हम कराची आए शादी के लिए।